हैंड रिटन शीट नंबर 47 में पहला क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक बल्ब सस्पेंडेड फ्रॉम रूफ ऑफ अ रेलवे ट्रेन मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री. ट्रेन सर्कल में घूम रही है और एंगल क्या बन रहा है, 45 डिग्री. आज हमने किया तो पेंडुलम सूडो फोर्स से पीछे चला जाएगा और रेस्ट पे आ जाएगा. आपको ट्रेन की वी निकालनी है, वी की वैल्यू अभी किया था फॉर्मूला क्या, टेन थीटा वी स्क्वायर बाय आर जी, वी का फॉर्मूला आंसर. तो ये तो क्वेश्चन हो गया, किया पेंडुलम का क्वेश्चन. नेक्स्ट ये हमने कर लिया था, ये हमने कर लिया था. नेक्स्ट ये रहा, लेंथ ऑफ द पेंडुलम एल है और किसी भी इंस्टेंट पर वेलोसिटी वी है और हमने इसको फेंका था विद द वेलोसिटी ऑफ यू. थीटा एंगल पे वेलोसिटी वी है, फाइंड टेंशन टी जब एंगल थीटा है. भाई टेंशन निकालनी है तो बनाओ फोर्सेस, क्या होगा टी टेंशन एम जी, एम जी साइन थीटा, एम जी कॉस थीटा. तो क्योंकि ये किस में घूम रहा है ना, सर्कल, सर्कल में कौन सी फोर्स होनी जरूरी है, सेंट्रीपेटल. इक्वेशन बोलो, टी माइनस एम जी कॉस थीटा इज एम वी स्क्वायर बाय आर, तो ये एम वी स्क्वायर बाय एल. तो यहां से टेंशन कैन बी कैलकुलेटेड, आंसर आ गया. कभी कभी वो क्या करेगा, आपको वी नहीं देगा, वी नहीं देगा आपको, वी नहीं देगा, वी की जगह क्या करेगा आपको, यू देगा, सिर्फ यू देगा. अगर यू देगा वी नहीं देगा तो यू से वी कैन बी कैलकुलेटेड बाय एनर्जी कंजर्वेशन. तो एक वेलोसिटी देगा और दूसरी निकालनी है. तो जैसे यहां पर ग्राउंड लेके काइनेटिक है हाफ एम यू स्क्वायर, पोटेंशियल है जीरो. यहां पर एम जी एच और हाफ एम वी स्क्वायर, और एच का फॉर्मूला याद है हमें, एल माइनस एल कॉस थीटा. तो अगर यू देगा तो वी निकल गया, वी निकल गया तो यहां पुट करके टी निकल गया. तो ये क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन तो न्यूमेरिकली आएगा. ये टेक्निक है जो मैंने खुद बनाया है कि इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं. क्लियर है यहां तक? तो ये भी हमने किया हुआ है, ये भी हमने कर लिया था. देखो पेंडुलम इज केप्ट हॉरिजॉन्टल एंड रिलीज, ये हॉरिजॉन्टल है इसको छोड़ दिया तो पेंडुलम नीचे 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 आएगा. फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल जब एंगल वर्टिकल के साथ थीटा है. तो थीटा एंगल पे ए निकालना है, ए दो एक्सेलरेशन होंगी पेंडुलम की, एक सेंट्रिपेटल और एक टेंजेंशियल. और नेट एक्सेलरेशन क्या होगी इनका, वेक्टर सम. टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बोलो क्या होगी, जी साइन थीटा. और सेंट्रिपेटल क्या होगी, एम वी स्क्वायर बाय एल. पर यहां पे वी तो पता नहीं, हाँ यहां वी पता है, यहां वी क्या है जीरो और यहां वी हमने निकालना है. आज हमने किया था, ये क्वेश्चन पूछा था मैंने आपसे, यू जीरो और यहां वी निकालो, तो ये एल कॉस थीटा वाला क्वेश्चन था. तो वी निकल जाएगा, तो एनर्जी कंजर्वेशन से वी निकलेगा, वी को ये एनर्जी कंजर्वेशन एम जी इंटू एच हाफ एम वी स्क्वायर, से वी निकलेगा, वी स्क्वायर बाय एल से सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन निकलेगी, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऑलरेडी है तो नेट एक्सेलरेशन दोनों का वेक्टर सम निकलेगा. तो ये भी क्वेश्चन हमने कर लिया, कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट ये हमने ऑलरेडी किया हुआ है, ये भी हमने किया हुआ है, ये भी हमने किया हुआ है, ये अभी हमने करना नहीं है. ये हमने किया हुआ है, ये हमने किया हुआ है, ये भी किया हुआ है, क्वाइन वाला, ये सब क्वेश्चन हुए हुए हैं, ये भी ऑलरेडी डन, यहाँ तक डन है बस.